हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास निकल कर आया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हावेरी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है DHFWS हावेरी रिक्रूटमेंट 2022, जिसे कि 119 नर्सेस और प्राइमरी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी आपको एज पर DHFWS हावेरी नॉर्म्स के तहत मिल जाएगी दोस्तों, जबकि जॉब लोकेशन आपका हावेरी कर्नाटका रखा गया है। वहीं बात करें इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए अप्लाई मोड कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है। तो आइए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्राइमरी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए 17 पोस्ट है, नर्सेस के लिए 82 पोस्ट है, आशा सुपरवाइजर्स के लिए 5 पोस्ट है, आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, जबकि डाइट काउंसलर, सिविल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, पंचकर्म थेरेपिस्ट, मेल हेल्थ वर्कर, फार्मासिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इंपेयरमेंट चिल्ड्रन एंड ENT स्पेशलिस्ट के लिए सिर्फ एक एक पोस्ट है। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने SSC, PUC, डिप्लोमा, BSc, मास्टर्स डिग्री या फिर MBBS कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो प्राइमरी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल में अपने आपको रजिस्टर करा रखा है, वो सारे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं नर्सेस के लिए जिन कैंडिडेट्स ने GNM ट्रेनिंग कर रखा है या फिर रजिस्टर कर रखा है अपने आपको कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल में, वो सारे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि आशा सुपरवाइजर्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने GNM, INM, BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ डिग्री या मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क या सोशल साइंसेज कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BAMS या MBBS कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, BPharma, NCB, NPCB ट्रेनिंग एज ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डाइट काउंसलर की बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स ने BSc या फिर BA इन न्यूट्रिशन या होम साइंस कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTEC कर रखा है सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE/BTEC इन बायोमेडिकल इंजीनियर, मेडिकल इलेक् ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर MSc इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पंचकर्म थेरेपिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc इन योगा एंड हर्बल मेडिसिन, मसाजिस्ट ट्रेनिंग, जनरल नर्सिंग कोर्स या फिर डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि मेल हेल्थ वर्कर, फार्मासिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने SSLC, डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर ट्रेंड बाय स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने PUC या डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं डेंटल टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने PUC साइंस या डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या DHLS कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग एंड इंपेयरमेंट चिल्ड्रन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, ट्रेनिंग ऑफ यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ENT स्पेशलिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन MS या ENT कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात करें एक्सपीरियंस डिटेल की, तो आशा सुपरवाइजर के लिए कैंडिडेट के पास 2 से 3 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जबकि सिविल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए कैंडिडेट्स के पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल में होना जरूरी है। जबकि डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है रेलिवेंट फील्ड में। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी की, तो यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, तो यह रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर ही बेस्ड रहेगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 17 नवंबर 2022 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी या समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक बात और बता दूँ, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करिए, जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।